नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शन या भिन्न को कैसे जोड़ा और घटाया जाता है, फ्रैक्शन को कैसे एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल से समझते हैं इसको। सेवन बाय फोर ये अपॉन फोर, जैसे ये डिनोमिनेटर सेम है, सेम तो ऊपर का टेन बाय फोर हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो सिंपली ऊपर सेवन और थ्री प्लस हो जाएगा। एक उदाहरण और देखते हैं। इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है, हर जो है समान है, इसलिए दोनों आपस में ऊपर का नॉमिनेटर जुड़ जाएगा, हर अंश जो है जुड़ जाएगा। अर्थात पंद्रह को सिंप्लीफाई करके ये आंसर आ गया। अब देखते हैं हम कि अगर हर जो है हमारा डिनोमिनेटर जो है अलग रहेगा, तब पहले इस कंडीशन में सेम की कंडीशन में देख लेते हैं माइनस का। देख लीजिए सेवन बाय फोर माइनस थ्री बाय फोर, डिनोमिनेटर इस कंडीशन में भी सेम है तो इसको हम सिंपली कैसे लिख लेंगे, सेवन माइनस थ्री बाय फोर, सेवन माइनस थ्री फोर बाय फोर, ये हमारा आंसर है। और देख लेते हैं एट बाय फोर, एट बाय सेवन माइनस सेवन बाय सेवन, इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, सिंपली सब्ट्रैक्शन कर देंगे, इसमें भी क्या है सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या हो जाएगा अपॉन सेवन, एट माइनस सेवन वन अपॉन सेवन आंसर। देखते हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट रहता है, देखिए फाइव बाय एट प्लस थ्री बाय फोर, इसके दो मेथड हैं, या तो इसको आप सेम डिनोमिनेटर सेम बना दीजिए। सेम बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पड़ेगा इसमें टू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी नीचे भी। अभी कितना हो गया, फाइव बाय एट प्लस थ्री टू जा सिक्स, फोर टू जा एट, और हमारा इस कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो क्या हो जाएगा, सिंपली एडिशन हो जाएगा, फाइव प्लस सिक्स इक्वल टू इलेवन बाय एट, ये हमारा आंसर है। और देख लेते हैं जैसे टिपिकल रहेगा तब, जैसे इसमें और हम ऐड कर लेते हैं फोर बाय थ्री, तब इसका हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर थ्री फोर एट का एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, एलसीएम थ्री वन फोर एट टू टू फोर टू वन टू टू वन, ये हमारा एलसीएम रहता है। कितना आ गया, थ्री जो सिक्स, सिक्स टू जो ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जो ट्वेंटी फोर, यानी ट्वेंटी फोर इसको बनाना है। ट्वेंटी फोर बनाने के लिए एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, ऊपर से भी एट, फोर सिक्स जा एट थ्री जा एट थ्री जा, ये एलसीएम मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए फाइव थ्री जा फिफ्टीन, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर, प्लस थ्री सिक्स जा एटीन, फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर, एट फोर जा थर्टी टू, ट्वेंटी फोर। अब यहाँ पे कंडीशन सेम है, डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर हर जो है सेम है, तो इस कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको ऐड कर लेंगे, फिफ्टीन प्लस एटीन थर्टी टू बाय ट्वेंटी फोर, इसको एडिशन करने पर कितना आ रहा है,
ये तो हो गया 2 8 10, इसको ऐड कर लीजिए। सिक्सटी फाइव फोर ये हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन का, यानी कि अगर भिन्न जो है हमारा घटा में रहेगा, फ्रैक्शन जो है माइनस में रहेगा, तो कैसे ऐड करेंगे, तो कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा उदाहरण देखिए, -8/7 -3/, पहले 2 का ले लेते हैं। देखिए इस कंडीशन में 2 ही हैं, इसका हम लोग एलसीएम कितना आएगा, 28 आएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से, ऊपर भी यही 4। अब ये 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, -32, 8 4 जा 32, ये 28। तो इसको हम लोग सिंपली, ये डिनोमिनेटर सेम आ गया है, इसको सिंपली क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 49 32 माइनस कर दिया, 17/28 हमारा आंसर है। उसके बाद देखिए, अगर कॉम्प्लिकेटेड ले लें हम, तो थोड़ा टफ ले लें, तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। 7/8 -8/3 -7/4। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, 8 3 4, ये आ गया 4 2 3, एज इट इज 1 2, ये हमारा एलसीएम कितना आ गया, 24। 8 से मल्टीप्लाई, 8 से इधर 6 से होगी, इधर 3 से, यानी कि ऊपर भी अब 3 से होगी, ऊपर भी 8 से, ऊपर 6 से। अब हमारा क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 7 3 जा 21, 24, 8 8 जा 64, 24 माइनस 42, 24। इसको हमारा ये सेम आ गया है, इसलिए माइनस कर लेंगे, 64 -42 24। अब ये हमारा दोनों माइनस के सिंबल हैं, इसलिए क्या होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 64 42 6 21 -106/24। तो इसको सॉल्व करेंगे, 21 माइनस करेंगे, 6 1 8 85, माइनस में आएगा 24। माइनस में इसलिए आया क्योंकि 106 उसके आगे माइनस का सिंबल है और 106 पड़ा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।